सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। इवी के साथ तो बिल्कुल नहीं, घर का काम भी करना होता है, इवी को भी देखना होता है, तो फिर बिल्कुल जो है आपके पास टाइम नहीं बचता है। तो फिलहाल जो है टाइम हो चुका है 7:30 बजे का। आज है चीनू का एग्जाम और इवी जो है सुबह सुबह उठ के ना काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ और चीज़ें इधर उधर फैन में काम कर रही है। तो तो इवा टेंशन में है कि मम्मा क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गई है चीनू, गुड मॉर्निंग तो कहो, गुड मॉर्निंग। और आज है चीनू का फर्स्ट एग्जाम, तो बस उसकी थोड़ी सी टेंशन है इनको। अभी फटाफट से इनको स्नान करवाते हैं, उसके बाद रेडी करना है स्कूल के लिए। और यहाँ पे हम लोगों ने ना सब्जी भी चढ़ा दिया आलू और पालक की। तो काफ़ी दिनों के बाद मतलब इस सीज़न की हम पालक तो फर्स्ट नहीं खा रहे हैं, लेकिन आलू पालक की सब्जी जो है वो पहली बार बन रही है हमारे घर पर। इसको बनने देते हैं, फटाफट से आटा लगा लेते हैं। इवा कैसा रहा तेरा? यहाँ पे ये है बाजरे का आटा, तो इसको मैंने गर्म पानी में डाल के रख दिया है और इसको ढक कर रख देंगे। और थोड़ी देर के बाद इन दोनों की मस्ती जो है अभी भी चल रही है ना, तो चीनू रेडी हो रहे हैं। ओए ये छत प्ले कर रही है, चुन चलो यार लेट हो जाओगे। आज इस पैर देखते हैं। इवा कम टू मामा, वो देखो सन। हम मतलब यहाँ ना आ रहे हैं, यहाँ क्यों डाल रहे हो? वो बड़ा वाला पीछे डाल रहे। बाय इवा, इवा बाय बाय। कार्ड बनाएगा नहीं तो याना का बैग जो वो हो चुका है पैक, है ना? देखो अगर आप इसको बड़ा यार ये। अरे पता था कि बाद में निकलना ही नहीं है। निकल रहा क्योंकि आपने ये गलत डाल दिया। हाँ छोटा वाला डाल दो उसमें, उल्टे सीधे डाल दें तो भी ना। इसमें कुछ ना इतना मैं क्या कर रहे हो यार? यार देखना यहाँ पे अभी पता तो है ना कि कौन सी चीज कहाँ पे है, वहाँ पे दिख नहीं रहा था। इतना ही क्या कर लो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना और आराम से करना और चेक कर लेना दो बार। तो अभी टाइम हो चुका है 9 बजे का और
अयानज आ चुके हैं स्कूल जिनों के उनको छोड़ने के लिए। इस टाइम ना ईवी को वो नीचे ले जाते हैं, क्योंकि अगर सोए हो तो फिर ठीक है, और अगर नहीं सोए हो तो मुझे फटाफट से ना अपना शॉवर लेने का काम जो है वो ख़त्म करना होता है। और अभी जो है ईवी को सोना है, तो ईवी को सुला लेते हैं फटाफट से, और फिर बाकी का काम जो है वो देखते हैं क्या क्या करना है। झाड़ू लगा चुकी हूँ मैं, बाकी जो सामान वगैरह समेटना, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा कपड़े धुले थे, दोनों चेयर्स पर भर भर के कपड़े रखे हुए हैं, उन सबको फोल्ड करके उनकी जगह पर ना मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। ईवी अभी भी सोए हैं, इसलिए मैं धीरे बात करूँगी। और किचन जो है वो भी अच्छे से क्लीन कर दी है, और पता क्या मेरे फेस पे ना, मेरे फेस पे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं वैसे मैं धूप में बैठती हूँ क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो धूप में बैठना ज़रूरी होता है। तो ये जो है ब्लैक कलर के जो ब्लेमिशेस जैसे पिगमेंटेशन जैसी जिसको बोलते हैं, तो वो होना स्टार्ट हो गया। इसके लिए किसी के पास कोई रेमेडी होगी तो मुझे बताना, वरना तो मैं सोचूँ कि डॉक्टर को ही दिखा के कोई मेडिसिन लगे वो लगाना स्टार्ट करूँ। और अभी ना सारे यहाँ पे फोल्ड करके रख दिए, इनको उठा के ना इनकी इनकी जगह पे लगा दूँगी, इतने सारे कपड़े धुले थे मैंने। और किचन जो है वो भी अच्छे से मस्त क्लीन हो चुकी है, बर्तन वर्तन सब धुल दिए हैं मैंने। अभी मुझे खाना खाना है और अपने लिए एक कप बनानी है चाय। तो यहाँ पे ना मैंने ये चढ़ा दिया है सब्जी गर्म करने के लिए, अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना है। इवी सोए ही है तो तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट जो कर लूँगी। 10 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट के साथ मुझे चाहिए होती है चाय, तो चाय भी यहाँ पे चढ़ा दी है। यहाँ पे मैंने ईवी की जो बॉटल्स हैं वो बॉयल करके रख दी थी, इनको अभी निकाल के इनमें जो ठंडा पानी है वो डाल के रख देती हूँ, और फिर जब ईवी को दूध पीना होता है तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके फिर हम जो है फटाफट से उनके लिए दूध रेडी कर देते हैं। और ये जो है यहाँ से बॉटल जल गई है, क्योंकि एक दिन मैंने बॉयल करने के लिए चढ़ाए थे ना, भूल गया था हमें उतारना, और यहाँ से बॉटल जो जल गई। हमारे पास ना ओरिगैनो और ये सारी जो चीज़ें थी ना ये ख़त्म हो गई थी, चिली फ्लेक्स ख़त्म हो गए थे, हमें चाहिए होते हैं तो ये वाले जो चिली फ्लेक्स हैं ये यूज़ करते हैं हम, तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये 3 का पैक था, ये है ओरिगैनो और उसके साथ हैं मिक्स्ड हर्ब्स। तो मैं हाफ फ्राइड एग या कुछ फ्राइड राइस इस तरह के बनाती हूँ ना, तो उसमें डालने के लिए चाहिए होता है, तो ये 3 मंगवाए थे मैंने ऑनलाइन, और एक जो है वो मंगवाया था ये। तो ये जैसे ईवी को लेके जाना होता है ना, तो कभी सिर्फ जैसे डॉक्टर के पास जाना होता है तो पानी डाल के लेना होता है उनके लिए गर्म बॉइल्ड वाटर, तो इस पर डाल देती हूँ मैं। तो ये छोटा सा है ना, कैरी करने में ईजी रहता है, तो इसलिए मंगवाया था मैंने ये। तो ये 500 का था। ये है मेरी 2 बाजरे की रोटी, आलू पालक की सब्जी, मिर्ची का अचार, मिर्ची और गरगर का अचार मम्मा ने डाला था, इतना ज़्यादा टेस्टी है, इसके बिना खाना खाने का मन नहीं करता। और साथ में 1 कप चाय। फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और साथ में मैं देखूँगी बिग बॉस। मैं बिग बॉस की इतनी ज़्यादा फैन हूँ, जिस दिन मैं उसका एपिसोड ना देखूँ तो मेरा दिन जो है वो स्टार्ट ही नहीं होता। तो रात को मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि रात को हम लोग जो है 7:30-8 बजे तक सो जाते हैं, ईवी को बीच बीच में जगना होता है रात को, तो फिर नींद पूरी ना हो ना, और पूरा दिन जो है आपका बिल्कुल ऐसे
लेजी सा जाता है, तो पूरा दिन काम का जो प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए रात को नींद पूरी होना ज़रूरी है, दिन को भी आराम नहीं मिलता है। तो बस अभी बिग बॉस देखती हूँ। आप में से कौन कौन बिग बॉस देखता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप उनका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है ये भी मुझे बताइएगा। मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है शिव, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छे से गेम खेलता है और मज़ा आता है उसकी गेम देखने में। तो कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। टाइम हो चुका है 12 बजे का, और अभी इवी को स्नान वगैरह करा के, क्योंकि वो जग गए थे, स्नान वगैरह करा दिया है ना। इवी ने छानू कर लिया, फिर हम धूप में बैठे थे थोड़ी देर, और अभी इवी कहा करेंगे कोगने खाना खाएगी, दूध पी क्या करेगी, हाँ हाय कर दो, हाय हाय छिपको, हाय कर दो, हाय नहीं 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 नहीं, इवो आजकल पता कैसे बातें करते हैं, नहीं 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 नहीं, कैसे करते हो, नहीं 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 नहीं। भैया आ गए, भैया आ गए, ओए उठ गया अब, भैया आ गए, इतना सा सो रहा, सिर्फ 15-20 मिनट सोई होगी बस। अच्छा एग्जाम कैसा हुआ आपका? अच्छा सब कुछ आता था, चेक किया था, हाँ। कितने बार चेक किया था? दो बार। मिस्टेक्स निकली थी? हाँ। ओके इवा, अब क्या करना है, खाना है, यूनिफॉर्म चेंज करो पहले। तो आजकल ना हम लोग, हाँ ठीक है, आजकल हमने ना अपना जो सेटअप है वो नीचे लगा दिया, क्योंकि इवू को हमें बेड पे छोड़ना होता है ना, तो फिर डर रहता है बच्चे का कि गिर ना जाए कहीं, तो इसलिए नीचे रखा होता है। और ये एक ब्लैंकेट है जो हम दिन को लेके रहते हैं, और इवी सो ही जाती हैं 2 या 3 बार, तो उनके लिए होता ही। ओ ये ब्लैंकेट जो बहुत खेलते हैं है ना, वो पड़ा है इवू का वॉकर, जिसमें पूरा दिन इनकी शैतानी जो है वो चलती रहती है ना। कुछ टाइम वो यहाँ पे वॉकर में, मतलब यहाँ पे खेलते हैं, कुछ टाइम वो बाहर खेलते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए नीचे भी खेलते हैं, फिर उसके बाद हम चाची के घर पे भी जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो वहाँ पे जाके खेलते हैं है ना। चलो मैं ड्रेसेस दिखाती हूँ इवू की। लोग जो है वो मार्केट गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो इवू की ड्रेसेस जो है इतनी ज़्यादा ली नहीं है हमने विंटर्स वाली, एक ये वाली ड्रेस है जिन्हों लेके आए थे, लेकिन इसमें साइज़ काफ़ी बड़ा लेके आए थे, तो ये वाला साइज़ चेंज करा के लाई हूँ, इसके साथ ये वाला बॉटम है। आप क्या कर रहे हो भाई, और पूरा ना ये ऐसे निटिंग वाला है, तो ये काफ़ी गर्म होता है, तो इस तरीके में हमें एक चाहिए था। दिखाओ, तो ये है याना का पेपर, इसको चेक करते हैं क्या क्या करके आए हैं और पेपर में क्या क्या आया था। हमने इस तरीके के ना ये लाए हैं, इनर भी बोल सकते हैं, चेस्टर भी बोल सकते हैं, तो क्या नहीं, तो एक येलो लाया था, कलर्स नहीं थे इसमें, ब्लैक और वाइट चाहिए था मुझे, ब्लैक मिल गया एक, और एक ये येलो कलर ले लिया था मैंने। उसके बाद एक ड्रेस ये वाली लाई थी हमने, तो ये काफ़ी मोटा स्टफ़ है, जब ठंड ज़्यादा हो ना तो फिर ये होता है कि एक चीज़ पहनाओ और उससे तसल्ली हो जाए ना मुझे कि हाँ ठीक है अब उसको ठंड नहीं लग रही है, तो फिर वैसे उस तरीके की ड्रेसेस चाहिए होती है मुझे, तो वहाँ पर यही थी, मतलब उस शॉप पर जितनी भी थी ना वो सारी हमने ले ली है एक एक करके। तो इसके साथ ये वाला बॉटम है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोटा है और सॉफ्ट भी है, तो ये कम्फर्टेबल रहते हैं। इसके बाद एक और ड्रेस है, ये मतलब जैसे खुद बुनी होती है ना ड्रेस, उस तरीके की है, तो इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, इसमें कलर यही वाला पसंद आया था मुझे, साइज़ बड़ा है लेकिन मतलब हो सकता है अगले साल तक आ जाएगा इवू को, लेकिन मुझे अच्छी बहुत लगी थी, और फिटिंग में ये बहुत प्यारी सी बुनी हुई है, देखो कितनी सुंदर सी इसका डिज़ाइन जो ना कितना प्यारा सा है, तो ये वाली ली है, ऊन की बनी हुई है ना ये। इसके साथ जो है ये है इसका बॉटम, जो गर्ल्स वाला बॉटम नहीं होता है, ये इस तरीके का बना हुआ ऐसे,
तो ये बहुत सुंदर लग रही थी, मैंने कल पहनाया था इनको, तो देखो ये कितना लंबा है ना, लेकिन अच्छा बड़ा लग रहा था ये पहना हुआ। अब हम इनको ना शाम को पहनाएंगे ये वाली ड्रेस, ड्रेस जो है ये हम इनको पहनाएंगे शाम को, क्योंकि हम लोगों को जाना है शाम को ईवी की वैक्सीनेशन के लिए, तो अपॉइंटमेंट हमने ले लिया। तो देखो ये मैं अभी धूप में बैठी थी ना, फिर से ये डार्क होने स्टार्ट हो गए, जब जब मैं धूप में बैठती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, तो मन नहीं करता है मार्केट जाने का, और इस इन चीज़ों के लिए खासकर टाइम भी नहीं होता है कि डॉक्टर के पास जाऊँगी और फिर मेडिसिन लेके आऊँगी इसके लिए, तो देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे टाइम हो चुका है 2 बजे का, मुझे खाना बनाना है, लेकिन ईवी जो है वो मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो फिर खाना कैसे बनाऊँ। तो ना तो ये सो रहे हैं ना तो मेरी गोदी से उठ रहे हैं, है ना। बस इनको मस्ती कर रही है अभी, है ना। मोमो के चंद मस्ती करेगा, मोमो के चंद मस्ती करेगा, और मैं और याना जो है हम दोनों जो है वेट कर रहे हैं कि कब ईवी जो है वो या तो सो जाए या तो खुद से खेलें, फिर हम अपना जो खाना है वो रेडी करते हैं। मम्मा को खाना बनाने, इवा मम्मा को खाना बनाने, इवा तो टाइम हो चुका है 3 बजे का, हम लोग खा रहे हैं अपना लंच। तो मटर वाले चावल जो हैं वो काफ़ी टेस्टी लगते हैं, वो ये बनाए हैं, और चीनू ईवा जो है वो अपने टॉयज के साथ प्ले कर रही है यहाँ बैठ के, तो हम फटाफट से अपना लंच जो है वो कर लेते हैं। ईवा लंच कर चुके हैं, तो यहाँ पे ईवा को मैंने रेडी कर दिया है, उनको ना अभी सुला दूंगी क्योंकि टाइम हुआ 4 बजे का, हमें 5 बजे तक जाना है, तो फटाफट से ना ईवू को जो है रेडी कर दिया और अभी सुला के इनको, उसके बाद जो है खुद रेडी हो जाऊंगी, और तब तक टाइम भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत काम जो पेंडिंग है वो भी हो जाएगा तब तक।